The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal. This is Dr. Paramjeet and you're watching Dr. Education. So as you know, we have all the videos which are verified from US National Medical Library and all every knowledge is trusted. So, aaj baat karenge bhai kya sach mein fat oil cholesterol khane se aapke heart ko problem hogi, heart attack aa jayega? Kya sach mein cholesterol se heart attack aata hai ya nahi aata? Cholesterol kya uska main factor hai ya nahi? Bahut सारे लोगों को डाउट होता है, हमने बार बार इसको प्रूव कर रखा है वैसे फिर भी, बट दिस वीडियो विल एक्चुअली गिव यू द रीजंस व्हिच यू आर लुकिंग फॉर. लेट अंडरस्टैंड. देखो भाई, कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपके फैटी फूड से आता है, वी नो दैट. और फैट के जैसा सब्सटेंस है ये जो आपके खून में अलग अलग प्रकार से चलता रहता है. खून में कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बन के नहीं जाता, वो जाता है LDL, VLDL, उस प्रकार से. उसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन इज बेसिकली फैट प्लस प्रोटीन, लिपिड्स प्लस प्रोटीन. इसमें कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कुछ मात्रा में ट्राइग्लिसराइड होता है. सो ऐसे ही दो मेन प्रकार के होते हैं, LDL, HDL. अब ये LDL जो है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, बिकॉज यही वो एक्चुअली है जो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो ये देखा जाता है कि आपके आर्टरीज, खून की नसों की वॉल्स पे ये चिपक सकता है. काइंड ऑफ नॉट लाइक ऐसे ही जाके चिपक जाएगा, कोई ना कोई ट्रिगर होगा तब चिपकेगा. उनकी नसों में इन्फ्लामेशन होगा, वहां पे क्रैक्स होंगे, समथिंग लाइक दैट यू कैन इमेजिन. तो ये ज्यादा चिपक सकता है, खून के नसें ब्लॉक कर सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल. और ये जो दूसरा वाला है HDL, इसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसका एक्चुअली काम है कि कोलेस्ट्रॉल को उन खून की नसों में जो ज्यादा है तो वहां से उठा के, नॉट लाइक जो ब्लॉकेज हो रखा है ब्लॉकेज से उठा के नहीं, खून से लेके उनमें अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा घूम रहा है तो उसको लेके लिवर में ले जाएगा ताकि वो लिवर में डिस्पोज ऑफ हो जाए. तो इसलिए HDL कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए, LDL कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, सिंपल. ओके, अब कोलेस्ट्रॉल आता कहां से है? सबसे बड़ा सोर्स कोलेस्ट्रॉल का है आपका ट्रांस फैट्स. तो ट्रांस फैट्स जो इन खानों में सबसे ज्यादा होते हैं, पेस्ट्रीज, जो आप स्वीट ट्रीट्स खाते हैं, जो केक्स, कुकीज, डोनट्स, इसमें बहुत सारे यू नो ट्रांस फैट्स. क्यों बोलते हैं? बिकॉज पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं, प्रोसेस्ड मीट्स में होते हैं, हाईली प्रोसेस्ड मीट्स, रेड मीट में बहुत फैट होता है, फ्राइड फूड भाई बोलने की जरूरत, तले हुए खाने में तो होता ही, राइट. और होल फैट डेयरी में जो होल फैट होता है, फुल क्रीम दूध, उसका दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, मिल्क, बटर, चीज, हाँ क्रीम, इसमें जो क्रीम है, जो जो मलाई है, वो बहुत फैटी होती है, राइट. सो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में. ये सब लोग, बहुत कम लोग है तो चलेगा, बहुत कम. सैचुरेटेड फैट्स भी एक सोर्स है, बट सैचुरेटेड फैट फिर भी अलाउ होते हैं, ट्रांस फैट जितना ना के बराबर लेना चाहिए. ट्रांस फैट पे हमारा एक डिटेल वीडियो अलग से अगर आप समझना चाहें उसको. ओके, फिर बात आती है सैचुरेटेड, बता दिया, ट्रांस फैट बता दिया. तो ये फिर भी बहुत अच्छा ही है, ये गलत है, ये कुछ मात्रा में ले सकते हैं, लिमिटेड, ठीक है, ये नहीं लेना चाहिए, ठीक है. अब इसमें देखिए, ये मैंने एक चार्ट भी दिखा दिया आपको कि कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या फैट या ऑयल जो भी आप खाते हैं वो किस किस तरीके से आपके शरीर में घूमता है. ये सारी चीजें आपके खून में घूम रही है इस वक्त, राइट. कुछ है काइलोमाइक्रॉन्स, कुछ है वी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, फिर है आपका ये काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट्स, फिर LDL, LDL, IDL, LDL, HDL. तो इन सब में कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ मात्रा में ट्राइग्लिसराइड होता है. तो नोट वर्दी है जो हमने बताया, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल ब्लड से, यानी पेरिफेरल टिश्यू से लेके लिवर में ले जाता है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है. और LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल जो है उसको पेरिफेरल टिश्यू में लेके जाता है, तो वहां ये डिपॉजिट ज्यादा कर सकता है. तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल. एक और बैड कोलेस्ट्रॉल है VLDL, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं, मेन कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लेकिन ये भी आपके पेरिफेरल टिश्यूज में ज्यादा लेके जाएगा, दिक्कतें ज्यादा करेगा. तो ये दो चीजें जो है, LDL कोलेस्ट्रॉल हमें कम चाहिए, HDL हमें ज्यादा चाहिए, ठीक है. तो क्या सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से ही हार्ट अटैक हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं है? नहीं, देयर आर मेनी मोर रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट अटैक जो कि और ज्यादा जरूरी है. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री मतलब जेनेटिक्स, प्री एक्लेम्शिया इज नथिंग बट हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी. ओके, इसके अलावा यू हैव फिजिकल इनएक्टिविटी, ये आजकल सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट है, जो फिजिकली इनएक्टिव है, अनहेल्दी डाइट है, स्मोकिंग है, यही तो वो इन्फ्लामेशन करेगा आपकी खून की नसों में, राइट, जिसपे कोलेस्ट्रॉल जमा होगा. वरना भाई खून की नसें तो पूरे शरीर में है, वाई ओनली हार्ट, क्यों हार्ट पे जमा हो रही है? ऐसा तो है नहीं, पूरे शरीर में ही जमा होती है. तो जो लोग इन
रिस्क फैक्टर्स में ज्यादा मोटे हैं, ओबेस हैं, जिनके जितने ज्यादा रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा रिस्क, ठीक है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसके ऊपर अगर आप स्मोकिंग में कुछ और उल्टा सीधा स्मोक कर रहे हैं, राइट, ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और ज्यादा रिस्क, सीधी बात। तो ये सारे रिस्क आपको समझने हैं। अब के कुछ इन्फेक्शन भी आ गए इसमें, कोरोना वायरस, उसके इन्फेक्शन के वजह से भी क्लॉटिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, क्लॉट बनने की, भाई थोड़ा बहुत ब्लॉकेज था, क्लॉट आया, उसमें फंस गया, क्लॉट की एबिलिटी बढ़ाने वाली हर बीमारी खतरनाक, राइट। सो अब इसमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल करना गलत है। क्यों गलत है, लेट्स अंडरस्टैंड क्या एक्चुअली एसोसिएशन है कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज का, लेट्स अंडरस्टैंड। पहले एक जमाना था 2010 में, जब दुनिया भर के मेडिकल स्पेशलिस्ट रिकमेंडेशंस दी जा रही थी कि 300 मिलीग्राम से ज्यादा पर डे कोलेस्ट्रॉल मत खाइएगा, मतलब डेढ़ अंडा, डेढ़ एग व्हाइट से भी काम आपका ऑलमोस्ट इसमें 300 मिलीग्राम हो जाएगा, डेढ़ एग येलो, एग येलो में इससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा। बट फिर 2015 में इन्होंने कहा कि भाई जितना हो सके उतना कमी खाओ, पर उन्होंने कोई सेफ लिमिट, स्पेसिफिक लिमिट नहीं दी, पर इतना जरूर बताया कि जो लोग इन स्टडीज में देखे गए कि जो लोग डाइट में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेस की जगह अच्छे हेल्दी कोलेस्ट्रॉल सोर्सेस खाते हैं या हेल्दी फैट खाते हैं, उनमें देखा गया है कि हार्ट का रिस्क कम है। ये नहीं बोला कि खाना बिल्कुल चर्बी बंद कर दिया, तो हेल्दी फैट खाते हैं तो रिस्क कम है। फिर उसके बाद कुछ और स्टडीज आई, 8 वीक की स्टडी, जिसमें ये बोला गया है कि अगर आप फ्यूअर रेगुलर ईटन फूड्स में बेटर फैट क्वालिटी अल्टरनेटिव्स डाल दोगे तो पोटेंशियली आप फिर फ्यूचर में आने वाली हार्ट की बीमारी भी ठीक कर सको। तो मोटा मोटी बात यही बोली जा रही है कि बुरे सोर्सेस से अच्छे फैट को चूज करो। और रिसर्चेस जो हैं उसमें कई ऐसे रिसर्च भी आए, जब बहुत सारे रिसर्च को लेके, अभी तक के बहुत सारे रिसर्च को लेके मिला के देखा गया, तो 2016 की एक बहुत सिस्टमैटिक रिव्यू, उसी को कहते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू, मींस रिव्यू ऑफ ऑल द स्टडीज प्रेजेंट टिल दैट टाइम और टेकिंग अ लॉट ऑफ रिव्यूज इनटू कंसीडरेशन, एंड देन उसमें से एक निष्कर्ष निकाला गया। तो उसमें यह देखा गया कि ऐसे लोग जिनका एलडीएल लेवल हाई था, काफी हाई था कोलेस्ट्रॉल में, वो लोग ऐसे लोगों से जिनका एलडीएल लेवल कम है वो उससे और ज्यादा जिए, जिनका एलडीएल लेवल कम है, एलडीएल लेवल कम है तो उसने ज्यादा जीना चाहिए, एलडीएल हाई है तो उसने तो हार्ट अटैक से मर जाना चाहिए अगर कोलेस्ट्रॉल से बीमारी थी। वो कह रहे हैं कि दे वुड लिव एज लॉन्ग एज और लॉन्गर देन पीपल, ये बोले जा रहे हैं, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल इज एक्चुअली नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट, माइनर फैक्टर हो सकता है आपके हार्ट अटैक में, आपकी हार्ट की बीमारी, इट्स नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर। और ये इन स्टडीज का रिकमेंडेशन था कि भी गाइडलाइंस जो हार्ट डिजीज प्रिवेंशन की है उसको रीवैल्यूएट करना चाहिए। नाउ व्हाई इट इज नॉट बीइंग रीवैल्यूएट, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल की दवाई बड़ी अच्छी बिकती है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में जो है फार्माकोलॉजिकल कंपनीज जो है वो बहुत प्रेशर डालती है कि भाई नहीं ये नहीं डालो, वो नहीं डालो, ये नहीं बोलो। बट एक्चुअली टेक्निकली अगर आप रिसर्च निकाल के देखेंगे तो 10 में से कई रिसर्चर्स में 10 में से 7 पेशेंट जिनको हार्ट अटैक आया उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था ही नहीं, 10 में से 5 पेशेंट जिनको हार्ट अटैक आया उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था ही नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ बिग फैक्टर। तो भाई हार्ट डिजीज प्रिवेंट करना है ना, मेन चीज क्या है हार्ट डिजीज प्रिवेंट करना है, कैसे करो? पहला इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल चेक करने से 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉच योर वेट, गेट एक्टिव, ईट राइट, सही खाना खाओ, स्मोकिंग बंद करो, और एक हर साल 2 साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप करो। इतनी सी बात, इतना कर लोगे ठीक रहोगे। और भी फैट खाना क्या खाएं, बने ये तो बता दिया, स्मोकिंग नहीं, दारू नहीं, भी एक्टिव मेंटेन है, हेल्दी फैट क्या खा सकते हो, हेल्दी ऑप्शन नट्स खा सकते हो। आजकल मैं देखा नट्स भी नहीं खाओ, ये भी नहीं खाओ, वो भी नहीं खाओ, भाई नहीं, नट्स आर हेल्दी। एक गिने हुए, उंगलियों में गिने हुए जो नट्स होने चाहिए वो होने, 4 आलमंड, 4 पीनट, थोड़े से पीनट्स, मुट्ठी भर में जितना उतने ज्यादा दिन में नहीं खाना, रिकमेंडेशन, क्योंकि वो हाई कैलोरी फूड है, मोटे हो जाओगे उससे फायदा क्या है ना। इसलिए सिट्रस फ्रूट खाओ दबा के, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स, फैटी फिशेस आर हेल्दी, ओमेगा 3 होता है, बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 पे रिसर्च ही रिसर्च है, हार्ट डिजीज प्रिवेंटेड, ठीक है। तो ओमेगा 3 कहां से आएगा, फिशेस से आएगा, फैट से आएगा, फैट इज नॉट सो बैड, है ना। और दूसरे ऑप्शन क्या खा सकते हो खाने में, दालें खाओ, होल ग्रेन खाओ, सोयाबीन खाओ, ओट्स खाओ, सब्जियां, जितनी सब्जियां सारी सब्जियां खाओ, कोई मनाही थोड़ी। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने में देखा गया है हर प्रकार के ओमेगा 3 रिच फूड्स, ऑयल्स, भाई एक ऑयल दूसरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, बताओ, है ना। अब एवोकाडो लिखा है तो दुनिया से लोग एवोकाडो मंगा के खा रहे हैं, नहीं, ओलिव ऑयल से भी ज्यादा ओमेगा 3 मस्टर्ड ऑयल में है, थोड़ा रिसर्च करके देखो, हमारे खुद का मस्टर्ड कच्ची घनी है, तो मस्टर्ड ऑयल इज मच बेटर देन दैट। बाकी होल ग्रेन्स ये वो सारी चीजें खाओ, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो उसके पीछे पागल मत हो जाओ। मेन हार्ट अटैक का प्रिवेंशन जो है डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल।
करेक्ट योर लाइफ स्टाइल एंड डोंट वरी अबाउट वीडियोज एंड पीपल जो आपको कोलेस्ट्रॉल से डराते हैं. ओके, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, दिस इज फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब बिल्कुल करिए. अगर कोई भी दिमाग में सवाल है तो नीचे कमेंट करिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करें. धन्यवाद. मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.